हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल व्याम धारावी पे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन एक अपडेट आई, हम सोचे आप तक पहुंचा दें। तो दोस्तों, शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी अपडेट आती है हम पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा मेरा कर्तव्य रहा है कि जो भी अपडेट आए वो पहुंचाना। वैसे में साथियों, आप सभी को पता होगा कि बजट का जो सत्र है वह स्टार्ट हो चुका है बिहार में। ऐसे में मामाई राज्यपाल के द्वारा आज अभिवादन किया गया है और उसमें बहुत सारा ऐसा बात है जो इंक्लूड किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले बात है कि बिहार में बजट सत्र में क्या कुछ चर्चाएं होती है, उसमें सबसे मुख्य बिंदु है जो हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है वो हमारा है शिक्षा विभाग नियमावली और शिक्षक बहाली। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि शिक्षक बहाली जो आने वाली है उसमें उसका कितना बजट पेश किया जाएगा। अगर शिक्षा विभाग में बजट की बढ़ोतरी होती है तो ऐसा समझ लेंगे हम लोग कि शिक्षक बहाली जो है वह जल्द ही आने वाली है। लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों को ठका जा रहा है सरकार के द्वारा, वैसे में हम अभ्यर्थी ऐसे शांत नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि दिन पे दिन, तारीख पे तारीख जो नियमावली है हम लोग का है, जो लंबित है पिछले कई वर्षों से बताया जा रहा है। हम अब वर्ष का गिनती करेंगे, क्योंकि पिछले समय से ही बताया जा रहा है, पिछले वर्ष से ही, कि नियमावली जो है वो आपको अगले कैबिनेट में आ जाएगी। लेकिन अंततः क्या होता है कि कोई भी कैबिनेट जो स्टार्ट होता है उसमें हम लोगों को नियमावली जो है वह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर से जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं टेकू बाबा, लिफाफा मंत्री, टकला मंत्री जो बोले है ना, वो आज फिर से बोले हैं कि अगला कैबिनेट में आपका जो है शिक्षक नियमावली सेवा शर्त आ जाएगा। ऐसे में हमने एक पोस्ट भी देखा जो जेडीयू के ट्विटर हैंडल से है ना आया था, वैसे में हम पोस्ट लगा देंगे यहाँ पर। इसमें लिखा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रोजगार सृजन का महत्व है ना देती है। रोजगार सृजन का महत्व है ना देने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था को उन्होंने चुना है। इसके साथ ही एक और पोस्टर इंक्लूड था जिसमें लिखा गया था, हालांकि आपने देखा होगा पोस्टर, वैसे आपको हम वीडियो के है ना स्क्रीन पर कहीं ना कहीं लगा देंगे, कि लिखा गया था 3 लाख शिक्षक बहाली जो है वह आपको शिक्षा विभाग में आने वाली है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि 9 से 12th में आपको 1.22 लाख, उसके बाद 80,000 के करीब है ना 1 से 8 तक, और 26,000 जो है वह उर्दू अरबी है ना बंगाली और अन्य पोस्ट पर बहाली ली जाएगी। हालांकि साथियों, इस तरह का पोस्टर में हमारे सामने कई बार वायरल हुआ है, लेकिन अब क्या कहें, भरोसा भी कितना करें, मन उब गया है, टूट गया है ना। इसी कारण साथियों, बिहार में इतिहास रहा है। आपको हम छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि आप बिहार का इतिहास पलट के देख लीजिए, जब भी शिक्षक बहाली हुई है तब भी अभ्यर्थियों को तब अभ्यर्थियों को है ना लाठी खाना पड़ा है। तो ऐसे में हम आपको यह नहीं बोलते हैं कि आप लाठी खाने जाइए, लेकिन अपने हक के लिए लड़िए। अगर हक के लिए नहीं लड़ते हैं तो यह समझिए आपको जो नौकरी है उससे आप वंचित हो सकते हैं। तो साथियों, आपके भलाई के लिए, हम सबों की भलाई के लिए, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे जो साथी हैं, उनके द्वारा बहुत ही डिसाइड करने के बाद, ताकि बहाली जल्द से जल्द आए, एक दिवसीय आंदोलन रखा गया है। हालांकि आप लोग थोड़ा सा भी इसमें लेजीपन करते हैं तो यह समझिए कि अब बहाली टल के बहुत ही आगे चली जाएगी, बहाली आपको चुनावी भेंट चढ़ जाएगी, चुनावी मुद्दा बन जाएगी। ऐसे में आप सबों को बता दें साथियों, चुनावी भेंट नहीं चढ़ाने के लिए, चुनावी मुद्दा नहीं बनाने के लिए, शिक्षक बहाली को जल्द से जल्द लाने के लिए जो एक प्रयास, एक पहल अपनाया जा रहा है, वह एक ही सहारा है मात्र, आंदोलन। तो आपको बता दें 3 मार्च को आपको जो है वह आंदोलन स्टार्ट हो रही है, जो कि 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर है। तो इस डेट को आप साथियों है ना फुली एनर्जेटिक मूड में, बिहार के तमाम वैसे अभ्यर्थी जो 7वें चरण शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले हैं, और हो सके तो उनके अभिभावक, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा का भविष्य है ना सुंदर बने, उसका भविष्य बने,
तो आप जरूर उनके कदम से कदम मिलाइए। और अभ्यर्थियों को तो यह सोचना ही चाहिए कि इस आंदोलन में अगर नहीं पहुंचेंगे तो सातवें चरण शिक्षक बहाली किस तरह विलंब हो जाएगी इस सरकार में, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। अगर चुनावी मुद्दा चढ़ती है साथियों, आज की वीडियो को आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बोलिएगा कि फालतू में जाकर वीडियो बनाते हैं, बहुत ही गुस्सा है ना, वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, देखते होंगे आप मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आता होगा, इस तरह से बयान आता है, कैसे वीडियो लाए, किस तरह से अभ्यर्थियों को संतोष कर सके, कितना आपका जो झूठा वादा है आपसे साथ शेयर करें। तो सबसे पहले बात, आपको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, इसी कारण आप इतना समझिए कि 3 मार्च को आपको क्या आंदोलन में जाना है ना। और आगे का जो कैबिनेट है उसमें वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी अपना बजट पेश करेंगे। अगर देखिए साथियों, पहले से अगर बजट में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो ये समझिएगा कि शिक्षक बहाली है ना जल्द आने वाली है। और शिक्षक बहाली है ना का जो लक्ष्य है वो महामहिम राज्यपाल के द्वारा आज अभिवादन में भी कहा गया है। तो साथियों, हम वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आप अपने हक के लिए आंदोलन में जाना नहीं भूलिएगा। अगर ऐसा करते हैं है ना, चुनावी वेट चलाते हैं शिक्षक बहाली को, तो आप यह समझ सकते हैं कि चुनाव जो ही आएगी उसके बहाने अगर शिक्षक बहाली सरकार दे भी देती है तो सबसे पहले चुनाव होगी। आपको पता है शिक्षक बहाली को आधा अधूरा फंसा करके किसी न किसी तरह से फिर से वह अगले साल लेकर चले जाएंगे, और जब चुनाव हो गई रहेगी तो सरकार को कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक बहाली कितनी लेट लग सकती है अगर आपका एक पहल नहीं अपनाया गया। तो इसी कारण जो भी हमारे साथी हैं जो आगे बढ़कर कार्य करते हैं उस पर उसके कदम से कदम मिलाना हमारा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य है। चलिए साथियों, आज की वीडियो को यही पे अंत करते हैं, और आप अपने साथी के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अभ्यर्थी जागरूक हो सके और शिक्षक बहाली जल्द जल्द आ सके, सरकार पर प्रेशर बन सके। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन शेयर जरूर कीजिए ताकि अभ्यर्थी आंदोलन में पहुंचे। थैंक यू साथियों आपके साथ और सपोर्ट के लिए, है ना, वीडियो अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।